स्थिति कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। आज नायरा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता तो मुझे इस घटिया इंसान की सच्चाई पता नहीं चलती। एक मौका, बस एक मौका मिल जाए, ऐसा बर्बाद करूंगा ना मैं तुम दोनों को, नायरा और कीर्ति। जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम मुझे, एक मौका चाहिए बस, सारी खुशियां छीन लूंगा मैं तुम्हारी। गुस्सा मत करो प्लीज, जो करना चाहिए था तुमने किया, अब गुस्सा करके बेबी को परेशान मत करो प्लीज। मैं कोशिश कर रही हूँ नक्श, पर थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं हमेशा मेरा पास मेरे सामने क्यों आ जाता है, और फिर मेरी वजह से आपको भी। प्लीज कीर्ति, ये मेरा आपका जो कुछ भी है सब हमारा, और हमें तो खुश होना चाहिए कि इस बार आदित्य हमारी जिंदगी से चला गया और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है उसमें। थैंक गॉड फॉर दैट। हालांकि अभी भी मुझे डर सा लग रहा है, भगवान ना करे हमारा उसके साथ दोबारा आमना सामना हो। मैं भगवान से तुम्हारी सिफारिश करता हूँ, अब प्लीज स्माइल कीजिए। मम्मा अगर टेंस्ड होती है ना तो बेबी भी टेंस हो जाता है। ठीक हो? बच्चों की तबीयत का सुना तो हमसे रहा ही नहीं गया। नक्श,
लगे हो गए, और जल्दी करो प्लीज। चला भगवान, मनीष मनीष मनीष, चारों में से किसी को तो फोन लगाओ, तुम भी लगाओ फोन, जल्दी लगाओ भगवान। चारों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा। रक्षा करना भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना। ये दोनों यहां है तो फिर वो दोनों कहां है? जाओ जाके पता करो, सारे रास्ते देखते हुए जाना, और वहां रिजॉर्ट में जाके स्टाफ से भी पूछना और मुझे कॉल करो। रिजॉर्ट से चले भी हैं या ऐसे ही कह दिया हमें? सुनेखा, वो लोग निकल चुके हैं। नायरा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो लोग हाईवे टच करने वाले हैं। अभी मेरी बात निखिल से हुई है। निखिल कौन? दोस्त है, हाईवे पे होटल है उसकी। उसने कहा कि हाईवे पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। भगवान नहीं, नहीं। भाभी माँ, मनीष आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।